दोस्तों, चींटी जो है एक छोटा सा जीव है, आप सभी जानते हैं, और मेहनत करने में सबसे आगे है। हम तो इंसान के बच्चे हैं, हमें उससे सीख लेते हुए मेहनत करते रहना है। मेहनत करके ही सफलता को हासिल किया जाता है। वेलकम टू माय चैनल हर्ट एंड ट्यूटोरियल। हमने सीखा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। अब वक्त आ चुका है उनको एक्सरसाइज क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट करते हुए हम बढ़ते जाएंगे और इस यूनिट को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए, बीएड स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। बीएड स्टूडेंट्स जो हैं, इन टॉपिक्स को टीचिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड कंटेंट जो है फ्रीली अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक ट्यूटोरियल में। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर 12। फैक्टर्स के जितने भी पॉइंट थे, अब हमें उनको याद करना है और 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? जी हां, आप जानते हैं, पहला पॉइंट यह था कि फैक्टर जो होता है वह गिवन नंबर का डिवाइजर होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। यानी कि जिस नंबर से आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, अगर वो फुली डिवाइड हो जाए तो इसका फैक्टर कहलाएगा। तो चलिए करते हैं बारी से। 12 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आप देखिएगा कि 12 से ये फुली डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1 इसका फैक्टर है। 2 से चेक करते हैं, अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखो कि 2 से भी ये डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड होता है और 2 भी इसका फैक्टर है। सो ऑन आपने करते जाना है। 3 के टेबल में भी आपको 12 मिलेगा, 3 इसका फैक्टर है। 4 के टेबल में भी मिलेगा, 4 इसका फैक्टर है। 5 में आपको नहीं मिलेगा और 5 के साथ 12 जो है कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में उसका रिजल्ट आएगा या रिमाइंडर बचेगा तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो 6 के टेबल में आएगा, 6 इसका फैक्टर है, और आगे चलेंगे तो 12 तक हम रुक जाएंगे। अब रुकेंगे क्यों? हमें वो पॉइंट रोकता है जो पिछली वीडियो में हमने सीखा है। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। तो हमने क्या पॉइंट सीखा था? फैक्टर जो होते हैं वो गिवन नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो हम 12 से आगे बढ़ नहीं सकते, फाइनाइट हो गए हैं, लिमिट हो गए हैं, रुक गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के पहले 5 मल्टीपल आपको निकालने हैं। मल्टीपल की डेफिनेशन अपने जहन में लाइए, वो सारे चुनिंदा पॉइंट को रिमाइंड करिए, रिकैप्चुलेट करिए और चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो आप देखिएगा ये जल्दी ही सॉल्व होके आपके सामने आ जाएगा और आप खुद भी सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट रिजल्टेंट एज ए 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट रिजल्टेंट एज ए 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट रिजल्टेंट एज ए 15। 5 multiply by 4, we get resultant as a 20. 5 multiply by 5, we get resultant as a 25. अब आप बोलोगे, सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? तो ये डेफिनेशन मल्टीप्लाई करवा रही है। डेफिनेशन क्या होती है मल्टीपल की? मल्टीपल क्या होता है? खुद से और किसी और नंबर से प्रोडक्ट करिए तो ही आपको मल्टीपल मिलते हैं। गिवन नंबर एंड अनदर नंबर दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करिए तो आपको रिजल्टेंट जो मिलेंगे वो मल्टीपल कहलाएंगे। यानी कि इस सवाल के मल्टीपल कौन है? 5, 10, 15, 20 एंड 25।
बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैंने तो एक एक ही पॉइंट आपको करके दिखाया है, आपने बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। अगर नहीं निकलते हैं किसी कारणवश तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है और मैं फिर से वो वीडियो बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बच्चों मेरे दोस्तों मेरी वीडियो जो है वो लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।